नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 13, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए इसमें नंबर वन क्या है, डिस्टिंग्स बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें ए है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, ये देखिए है ना, ये है इसका आंसर। हमने दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बी क्या है, पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं, नेचुरल चेंज एंड मैन मेड चेंज। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर टू क्या है, अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाइड। इसमें यह है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर, केमिकल ई रिवर्सिबल स्लो। फिर यहाँ पे बी है बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर। तो इसका आंसर क्या होगा, केमिकल ई रिवर्सिबल फास्ट। फिर यहाँ पे अगला सी है अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो फिजिकल केमिकल ई रिवर्सिबल नेचुरल। डी है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो पेरोडिक स्लो नेचुरल। ई है यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। तो इसमें क्या आएगा, फिजिकल रिवर्सिबल, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड क्या है, गिव रीजंस। इसमें ये है व्हाइल परचेसिंग कैन फूड इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक्ड। देखिए इसका रीजन हमने लिखा है, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे बी है एन आयरन आर्टिकल शुड बी गिवन अ कोट ऑफ पेंट। तो इसका आंसर है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब यहां पर सी देखिए क्या है, अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड। तो इसका आंसर है यहां से लेकर के यहां तक। फिर डी है यहाँ पर कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स शुड बी टिल्ड। तो उसका आंसर देख लीजिए, फिर यहाँ पे ई है अ ड्राई हैंकरचीफ गेट्स वेट एट वंस ऑन डीपिंग इन वाटर बट इट टेक्स लॉन्ग फॉर अ वेट हैंकरचीफ टू ड्राई। तो उसका आंसर ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है ना, फिर यहां पर आगे फोर्थ वन क्या है, व्हाट विल यू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग। इसमें ए है अ फिजिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। तो इसका आंसर है यहां से लेकर के यहां तक। फिर उसके बाद यहाँ पर बी क्या है, अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। उसका आंसर है यहां से लेकर के यहां तक। अब यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है, रीड द पैराग्राफ एंड नोट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस इट्स मेंशंस। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसे आपको पढ़ना है और फिर आपको नोट करना है जो भी यहाँ पे चेंजेस मतलब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये है पैराग्राफ और यहाँ पे देखिए हमने इसका आंसर लिखा हुआ है, दिस इज द आंसर, ओके। वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने लिखे हैं, जैसे कि इट वॉज नियरिंग 6 o'clock इन द इवनिंग। तो इसमें टाइम है रिवर्सिबल पेरोडिक। फिर द सन वॉज सेटिंग, सनसेट पेरोडिक रिवर्सिबल, ठीक है। ऐसे ही
और हमने पूरा कंप्लीट किया है, देख लीजिए आप इसको। और इसके आगे भी है, मतलब इतना तो इसका आंसर है ही। इसमें 6 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फिर इसके आगे 7, 8, 9, 10, ठीक है। मतलब इसका आंसर ना पूरा इतना बड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसका आंसर ये है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लेसन नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।